सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। मिफेजेस्ट किट को लेने के बाद अगर आपको ब्लीडिंग नहीं होती है तो उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं और उसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हैं, यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैंप चैनल, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, मिफेजेस्ट किट में आपको 5 टैबलेट देखने को मिल रही है। पहली टैबलेट मिफेप्रिस्टोन 200 मिलीग्राम की होती है और बाकी की जो 4 टैबलेट हैं ये मिजोप्रोस्टोल टैबलेट होती हैं। पहली टैबलेट को लेने पर आपको कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही कम फीमेल्स में ऐसा देखा गया है कि उन्हें लाइट एब्डोमन पेन, लाइट ब्लीडिंग या फिर नोजिया हो, और बहुत ही रेयर है, ना के बराबर। अब जब आप इस टैबलेट की जो मिजोप्रोस्टोल टैबलेट की पहली डोज जो 2 टैबलेट्स की होती हैं, जब आप इस टैबलेट को लोगे, मतलब कि फर्स्ट डोज मिजोप्रोस्टोल की लोगे, तो इसके 30 मिनट से 4 घंटे के बीच में आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अगर आपने इस टैबलेट को राइट मेथड से राइट टाइमिंग पर ली है और गेस्टेशन पीरियड अगर आपका सही है, मतलब यूजली इस किट को लेने के लिए गेस्टेशन पीरियड 49 डेज का होता है, मतलब कि 7 वीक्स की प्रेगनेंसी आइडियल मानी जाती है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे आगे टाइम पीरियड बीतेगा वैसे वैसे इस किट से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के चांसेस कम होते जाएंगे, और मैक्सिमम 63 डेज माना जाता है, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहते हैं अनकम्प्लीट अबॉर्शन के। तो अगर प्रेगनेंसी 63 डेज से ज़्यादा है तब भी आपको ब्लीडिंग नहीं होगी, ना ही एब्डोमन क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर गेस्टेशन पीरियड 30 दिन से कम का है तब भी आपको ना तो ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, ना ही इस टैबलेट को लेने पर जो साइनो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो रीज़न काफ़ी सारे हैं, अगर गलत मेथड से आपने लिया है, गलत तरीके से लिया है, गेस्टेशन पीरियड सही नहीं है, या फिर आपको प्रेगनेंसी ही नहीं है, या फिर एक्सपायरी डेट आपने चेक नहीं करी और एक्सपायर किट को आपने लिया है, लोकल ब्रांड अगर आपने लिया है, तब भी ये टैबलेट अपना काम नहीं करती हैं। आपने करना क्या है, तो गाइस देखिए, मिजोप्रोस्टोल टैबलेट को लेने के 30 मिनट से 4 घंटे के बीच में आपको हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। एब्डोमन क्रैम्प्स, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, बैकएक, डिजीनेस, ये सभी साइनो सिम्टम्स महसूस होते हैं 4 घंटे तक, लेकिन कई फीमेल्स में ये 24 घंटे तक भी एक्सटेंड कर जाते हैं। लेकिन अगर 24 घंटे बाद भी आपको कोई भी साइनो सिम्टम्स महसूस नहीं हो रहे तो आपको क्या करना है, पहली बात तो आपने रिलैक्स होना है, ठीक है। दूसरा, आपने वेट करना है कम से कम 7 दिन का, ठीक है। और मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप एक बार अपनी गायनी से मिल लें, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप डॉक्टर के पास विजिट नहीं कर सकते तो आपने वेट करना है, ठीक है। और इन 7 दिन के अंदर आपने 4 बार साइट्रिक जूस, जो सीजनेबल होता है फ्रूट जूस, ताज़ा जूस बोल रहा हूँ, पैकेट वाला नहीं बोल रहा, साइट्रिक जूस आपने लेना है 4 बार 1 गिलास, ठीक है। और रात के समय आपने हल्दी वाला दूध पीना है, 3 दिन तक ऐसा करना है, और ये एक्चुअली काम करता है। अब अगर टाइम पीरियड 7 दिन का हो जाता है और अगर आपको फिर भी ब्लीडिंग नहीं होती है तो करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, आपने दोबारा से किट को यूज़ करना है। और गाइज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बारी बारी किट को यूज़ करने पर भी आपको काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है आप डॉक्टर के पास विजिट नहीं कर सकते तो आपको दोबारा से किट को रिपीट करना है। और यहाँ पर जो मेथड है उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहली जो मिफेप्रिस्टोन की टैबलेट है वो आपने सुबह के टाइम लेनी है, सुबह के टाइम 8 से 10 बजे के बीच में आप लीजिएगा, और दिन में लेना है, रात के समय नहीं लेना। रात में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, और जो लोग मेडिकल सर्विस से बाहर हैं, जिनके पास मेडिकल सर्विस रात के समय अवेलेबल ही नहीं रहती, अगर बाय चांस नेगेटिव सोच के चलिए, अगर आपके साथ कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो जाती है तो आप कहाँ जाएंगे,
इसीलिए इस टैबलेट को दिन के समय ही लेना चाहिए, ठीक है। तो मिफेप्रिस्टोन की टैबलेट आपने सुबह 9 बजे के अराउंड, आप मान के चलिए आपने 9 बजे के अराउंड लेनी है, ठीक है। और उसके एग्जैक्ट 48 आवर के बाद आपने मिजोप्रोस्टोल टैबलेट को, 4 टैबलेट आपने इकट्ठी अपने बक्कल में रखनी है, मतलब जो चिक्स और गम्स की कैविटी है, बीच की कैविटी बक्कल, वहाँ पर आपने 4 टैबलेट को रखना है और उसको चूसना है 30 मिनट तक, ठीक है। जो थूक होगा, जो सलाइवा होगा, आप उसको निगल सकते हो। सबलिंगुअल भी इस टैबलेट को ले सकते हैं, लेकिन नोजिया वोमिटिंग होता है और इसको खाना नहीं है। अगर आप मिजोप्रोस्टोल टैबलेट को खा जाओगे तो डायरेक्ट ये स्टमक में जाएगा, वहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो स्टमक जूस होता है, वो इस टैबलेट की जो वर्किंग है उसको कम कर देता है, ठीक है। इसीलिए इस टैबलेट को ओरली भी नहीं लेना चाहिए। और स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि जो लोग ओरली इस टैबलेट को लेते हैं ये उतना असर नहीं करती। तो इस टैबलेट को आप बक्ली ले सकते हो, लेकिन अगर आपको डर है कि आपको नोजिया वोमिटिंग हो जाएगा तो आप मुझे कमेंट करना, कमेंट में मैं आपको एक और मेथड है वो भी बता दूंगा और वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और इस मेथड से अगर आप अबॉर्शन करोगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो अबॉर्शन है वो हो जाएगा, लेकिन गारंटी अभी भी नहीं है कि ये जो किट है ये अपना काम करेगी, ठीक है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, अगर आप इस मेथड से इस किट को लोगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि अबॉर्शन हो जाएगा। तो गाइज, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।